हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ J-10C फाइटर जेट एन न्यू अमेजिंग एडिशन इन PAF पाकिस्तान एयरफोर्स में J-10C की एंट्री हो चुकी है। तो इसके ऊपर एक वीडियो देखेंगे, शायद अभी कुछ दिन पहले टेस्टिंग भी हुई थी, शायद 2-3 दिन पहले ही। तो चलिए देखते हैं क्या है J-10C। J-10 के बारे में देखा था, J-10C के बारे में भी मैंने वीडियो देखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसके J-10 से J-10C में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओ अच्छा, क्या ये J-10C की ही टेस्टिंग फ्लाइट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C को बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फिजाइया के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। J-10C लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान फिजाइया में शमूलियत से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत मजबूत तरीन हो चुकी है, क्योंकि ये नया जंगी जहाज न सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के तैयारों से सस्ता है बल्कि बहुत ही बेहतरीन खसूसियात का हामिल है, जिसके बाद दुश्मनों की नींदें हराम हो चुकी हैं। इन तैयारों को चीन के साथ जून 2021 में होने वाले मुआहदे के तहत खरीदा गया। टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन हथियारों और दीगर दिफाई शोबों में चीन की पाकिस्तान के लिए वैसे भी मुआवनत काबिल तारीफ है। जैसे कि बालाकोट हमलों के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अपना दिफा बखूबी कर सकता है, मगर हकीकत यह है कि इन तैयारों की फजाई बेड़े में शमूलियत से पाकिस्तान खत्ते में असले की दौड़ शुरू नहीं करना चाहता बल्कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहता है। एक मशहूर कौल है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो जंग के लिए हमेशा तैयार रहें। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन जदीद लड़ाका तैयारों का पाकिस्तान की दिफाई फोर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनने से पाकिस्तानी बहरिया का बहरा अरब के अंदर किरदार न सिर्फ वसी होने का इम्कान है बल्कि इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। दिफाई माहरीन का कहना है कि J-10 तैयारों के फजाई बेड़े में शमूलियत का मकसद बहुत बड़ा है। मुताबिक पाकिस्तानी बहरिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जंगे हिकमत अमली को अजीज और नौ मुरतब किया ताकि वह बहरा अरब की गहराइयों में अपना किरदार अदा कर सके। इस किरदार को बखूबी निभाने में J-10 नहायत मौसर कारकर्दगी अदा करेगा, क्योंकि J-10 बहरी जहाज तबाह करने वाले मौसर मिसाइलों से लैस होते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी बहरिया नेवी को जदीद तरीन फ्री गेट बहरी जंगी जहाज फराहम किए, जो पाकिस्तान के अस्करी अजाइम की तकमील में मुआविन साबित होंगे। दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि J-10 मेराज सियारों का न सिर्फ नेवल बदल है बल्कि इनसे बेहतर भी है। पाकिस्तान ने मेराज सियारे सन 1967 में खरीदे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की फजाई कुवत में स्ट्रेटेजिक फोर्स के तौर पर बरुए कार आते हैं, लेकिन अब ये अपनी पूरी मुदत कर चुके हैं। जैसे कि पाकिस्तानी फजाइया PAF ने ट्विटर पर लिखा है कि 8 मार्च 1968 वो तारीखी दिन था जब मेराज सियारों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंची थी और MM आलम की क्यादत में फाइटर पायलट्स के गिरोह ने ये तारीखी काम सर अंजाम दिया। अब 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद मेराज सियारे PAF के मरकजी स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा है। जंग में आजमाई हुई इस मशीन ने बारह अपनी खसूसियात को साबित किया और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब J-10C तैयारे सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। मगर इसके मुकाबले में चीन के J-10C तैयारे हासिल करना पाकिस्तान की हिकमत अमली में अहमियत रखते हैं। अगर इसका दूसरा तैयारों के साथ मुकाबला किया जाए तो J-10C चीन का तैयार करदा फुर्तीला, तेज रफ्तार, कम वजन, जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है जो दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों का मुकाबला कर सकते हैं। इसी सलाहियतों की बात करें तो चीन के फजाइया इदारे चिकंडो के तैयार करदा J-10C जदीद हथियारों एवरेक्स निजाम के साथ 6000 किलोग्राम वजन तक जंगी हथियार, मिसाइल और फ्यूल ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये जंगी तैयारा मल्टीपल टारगेट्स यानी बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। J-10C फायर कंट्रोल रडार, लेजर गाइड बम और मिसाइल से लैस होने की सलाहियत रखते हैं, जो 250 किलोमीटर रेंज में कार्रवाई कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के मुशतरका फिजाई मशकों शाहीन में इस तैयारे को खूब आजमाया जा चुका है। J-10C लड़ाका तैयारा समंदरी या आबी सरहदों के दिफा में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है और इन तैयारों के हसूल से बहरा अरब में पाकिस्तानी बहरिया की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान अपने रवायती हरीफों की तैयारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह है। भारत के हाल ही में खरीदे गए राइफल तैयारों का J-10C से मुख्तसर काबुली जायजा ले तो दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक इसमें जदीद तरीन रडार नस्ब है।
अमरीकी तैयारे F-35 में बिल्कुल ऐसा रडार नस्ब है। इसके साथ इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये जदीद लड़ाका तैयारा फिजा से फिजा और फिजा से जमीन और एंटी शिप मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। J-10 में PL-8 और PL-10 मिड रेंज रडार गाइडेड मिसाइल और PL-12 और PL-15 इन गाइड्स बम इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। J-10C में जदीद तरीन रडार नस्ब है। J-10C को वेगरस ड्रैगन भी कहा जाता है। J-10C के रडार में 400 TRM है। भारतीय रफाल तैयारों के रडार में 1200 TRM है। ये तैयारे फिजा से जमीन पर मारने वाले KD-88 और YG-91A एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल इस्तेमाल करने की महारत भी रखते हैं। चीनी J-10C तैयारे को सेमी एसलेट टेक्नोलॉजी के साथ भी मुतारिफ करवाया। इसकी अहम तरीन खासियत जो ये है वो जहाज सिंगल इंजन का है और पाकिस्तान फिजाइया को सिंगल इंजन उड़ाने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। पाकिस्तान फिजाइया में F-16 F-7 मिराज तैयारे सबके सब सिंगल इंजन थे क्योंकि ये एक इंजन का हामिल कसीरुल मकासिद तैयारा है। यह हर तरह के मौसम में उड़ान भरने की सलाहियत रखता है। इसके विंग डेल्टा स्टाइल के होते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम नस्ब है। मल्टी रोल ये जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करने और सामने आने वाले दुश्मन से दिफा का काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान का इस वक्त ज्यादा इन्हिसार F-16 और JF-17 थंडर पर है। जिन तैयारों के साथ इम्तिजाज में इस तैयारे को इस्तेमाल किया जाएगा ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसके एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम इसी मशीन के साथ मुंसलिक हैं। इसे बड़े साइज का AECA रडार लगा हुआ है। इसके साथ शॉर्ट रेंज फिजा से फिजा में मार करने वाला PL-10 मिसाइल लगा हुआ है। अगर इस तैयारे की तारीख की बात करें तो J-10 चिकोंडा वायर क्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए जून 1957 में तैयार किया और इस जहाज ने 23 मार्च 1998 को पहली अपनी उड़ान भरी। लेकिन इस जहाज की तैयारी में 1981 से काम हो रहा था। इसके बाद 2003 में यह तैयारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग यूनिट्स को दे दिया गया। इसी पर मुख्तलिफ आजमाइशी मराहिल से गुजरने के बाद 2004 में इसका डिजाइन फाइनल हुआ। इससे कबल इस तैयारी की आजमाइशी परवाजों के दौरान क्रैश होने की अफवाहें भी गर्दिश करती रही। इसके बाद J-10 बाकायदा तौर पर 2006 में ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 2009 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने J-10 को बरामद करने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान को इस तैयारी की 2006 में पेशकश की गई लेकिन इससे मुतल्लिक दोनों मुल्कों में 2012 तक बातचीत होती रही। सितम्बर 2020 से ये खबरें गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान J-10 तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी रखता है और आखिरकार यह तैयारा पाकिस्तान की फिजाई फोर्स में शामिल हो चुका है। अब इंडिया और दीगर हरीफों के मुकाबले में पाकिस्तान की फिजाई ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अगर खाली इंडिया की बात करें तो इंडिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। इसकी आबादी 1.2 अरब है जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तानी फौज की तादाद 9,19,000 है जबकि इंडिया की फौज की तादाद 42 लाख है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दिफाई बजट में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया अपने दिफा पर $47 अरब लगाता है जबकि पाकिस्तान के दिफाई अखराजात 7 अरब है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबला हुआ पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया का मुतासर किया। नाज़रीन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान के फिजाइया में J-10C की शमूलियत और इसके हरीफों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। सो भाई बहुत ही तगड़ा एक एडिशन हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स में। मतलब J-10C क्या कमाल का एयरक्राफ्ट है। इसको ड्रैगन बोल रही थी। हवा में मार और ज़मीन पे भी मार, दोनों तरफ से मार करेगा, तो इस लेवल का है ये। एंड वाकई में बहुत तगड़ा जेट है। और इसकी हिस्ट्री भी बताई उन्होंने, बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो के अंदर कि 1957 से लेकर इसका काम चल रहा था, कब तैयार हुआ 2004, फिर 2006, उसके बाद अब पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड कब से था, बहुत टाइम से था, अब आकर उसने ख़रीद लिया। मतलब पाकिस्तान ने ये जेट ख़रीद लिया है। उनके PAF की के वेपन्स में ये ऐड हो चुका है कि बहुत ही तगड़ी बात है यार पाकिस्तान की वेपन्स में J-10C का होना, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी है, वेट हल्का है, वज़न ज़्यादा ले जाने की ताकत है, मिसाइल ज़्यादा हैं इसमें और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो दूसरे एयरक्राफ्ट मतलब जेट्स नहीं कर सकते हैं। तो वैसा कुछ सीन है इसमें। ये बता रही थी कई जगह से ये प्रोटेक्शन का एक जरिया बन गया है।
चाहे वो पानी की प्रोटेक्शन हो, मतलब पानी के इधर उधर कुछ भी पानी के ज़रिए कुछ कोई आ रहा है जैसे, तो वहाँ से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब कि एक जो परसेंटेज है प्रोटेक्शन की वो बढ़ गई है, पानी के चारों ओर हवा के चारों तरफ जो भी दायरे हैं, जो भी लिमिट्स हैं पाकिस्तान की, उसमें प्रोटेक्शन आई थिंक बढ़ गई है इससे, ये बता रही थी। इसका टेस्ट भी हो चुका है। बाकी आप क्या कहते हैं J10C के एडिशन के बारे में, PAF में हो चुका है जो, कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।